आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। कांग्रेस ने कश्मीर पर पुराना राग अलापा, सरकार से 370 पर निर्णय वापस लेने की मांग। बारिश से देश के कई हिस्से बेहाल, उत्तरकाशी में बादल फटने से 17 लोगों की मौत। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए एमओयू हुआ साइन, अब रफ्तार पकड़ेगा मेट्रो का काम। कमलनाथ और शिवराज ने एक दूसरे पर लगाया आरोप, दोनों के बीच बड़ी तल्खियां। और जबलपुर के दो इनामी बदमाशों का नरसिंहपुर में एनकाउंटर, मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले घायल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के मुख्य प्रावधानों को हटाए जाने के बाद विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है, वहां धीरे धीरे जीवन सामान्य होना शुरू हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस बड़े कदम के बाद घाटी के नेताओं में खलबली मची हुई है। एक बार फिर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपना पुराना राग अलापा है और सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। 370 के मसले पर एक एक कर कांग्रेस के दिग्गज जहां केंद्र सरकार के इस कदम को सही बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके द्वारा लिया गया गलत निर्णय वापस लिया जाए। ये एक बार फिर सिद्ध हो गया है क्योंकि इससे राज्य में कोई भी खुश नहीं है। ऐसा निर्णय वापस लिया जाना चाहिए, राजनेताओं को छोड़ा जाना चाहिए और सामान्य हालत बनाए जाना चाहिए। इधर घाटी में स्थिति का सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर रखा है, वहीं घाटी के माहौल को खराब करने की आशंका के चलते कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने के बाद सरकार द्वारा सिलसिलेवार ढील देने की शुरुआत कर दी गई है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सोमवार को नई दिल्ली से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच एमओयू हुआ। इस मौके पर केंद्रीय शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एमपी के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह की उपस्थिति थी। इस प्रोजेक्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। एमओयू साइन होने के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 27.87 किलोमीटर में 2 कॉरिडोर बनाएंगे। एक कॉरिडोर करौंद सर्कल से एम्स तक 14.99 किलोमीटर और दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी चौराहे तक 12.88 किलोमीटर का होगा। इसकी कुल लागत रुपए 6941 करोड़ 40 लाख होगी। इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 31.55 किलोमीटर की रिंग लाइन बनेगी। यह बंगाली चौराहे से विजयनगर भंवरशाला एयरपोर्ट होते हुए पलासिया तक जाएगी। इसकी कुल लागत 7580 लाख है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। यह कंपनी अब भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी में परिवर्तित होगी। उत्तरकाशी में कई जगह बादल फटने के बाद कोहराम मचा हुआ है तो कई जगह भूस्खलन से पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं। बादल फटने के कारण आई तबाही के कारण मारे गए 17 लोगों के शव अब तक मिल चुके हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है। यहां के 8 जिलों में त्राही त्राही मची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा प्रबंधन के सचिव S.A. मुरुगेसन ने बताया कि उत्तरकाशी के मोरी तहसील में बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सोमवार को वित्त सचिव अमित नेगी, IG संजय गुज्जाल और उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट आशीष चौहान ने अरकोट में हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में रविवार को भारी बारिश हुई, इसके बाद बादल फट गया। इस हादसे में कई ग्रामीण मलबे में दब गए। SDRF की टीम बड़कोट से प्रभावित इलाकों आराकोट में पहुंच चुकी है। मोरी में रेस्क्यू के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। आराकोट पहुंची SDRF की टीम ने बचाव अभियान का काम शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया है, हर तरफ लूट मची हुई है। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट करके शिवराज सिंह को जवाब दिया है और कहा है कि बर्बादी की कगार पर लाकर आपने मध्य प्रदेश मुझे दिया, जिसको मैं दुरुस्त करने में लगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच अब तल्खियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं, जंगल राज आ गया है और आए दिन बच्चों के अपहरण होते हैं, हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है, कमलनाथ सरकार ने एमपी को तबाह कर दिया है। सरेआम पत्रकार को भी चाकू अड़ा के पैसे लूट लिए जाते हैं, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, चारों तरफ लूट मची हुई है, सुरक्षित कौन है मध्य प्रदेश में? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, अपना मध्य प्रदेश ऐसा तो नहीं था, आपने मेरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब भी जागिए और रोकिए ट्रांसफर और पोस्टिंग से फुर्सत मिल जाए तो, और मध्य प्रदेश को बचाइए। बीजेपी नेता शिवराज सिंह की बातों का जवाब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने शिवराज को एक के बाद एक दो ट्वीट किए। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज जी यह वही मध्य प्रदेश है जो आपने मुझे बर्बादी के कगार पर ला कर दिया, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति में, दुष्कर्म में, बेरोजगारी में, कुपोषण में आपने इसे नंबर वन बनाकर छोड़ा था। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि मात्र 8 माह में आपके द्वारा सौंपी इस बदहाली व्यवस्था को दुरुस्त करने में पूरी तत्परता से लगा हूं। उन्होंने लिखा, मैं आपकी सरकार के दाग धोने में लगा हूं, अगले 5 वर्ष में ऐसा मध्य प्रदेश बनाऊंगा कि आपको अपने 13 वर्ष के कार्यकाल पर शर्म आएगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रदेश के मदरसों में अब बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा। इसके अलावा आदिवासी परिवारों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार ने उनका कर्ज माफ करने का भी फैसला किया है। भोपाल में कमलनाथ कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने आदिवासियों को साहूकारों के कर्ज के बोझ से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ऐसे आदिवासी परिवार जिन्होंने साहूकारों से कर्ज लिया है उनके कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके लिए 15 अगस्त 2019 तक गैर लाइसेंसी साहूकारों ने जो भी कर्ज इन आदिवासियों को दिया है वो शून्य होगा। फिलहाल ये योजना अनुसूचित क्षेत्र यानी 89 आदिवासी विकास खंड में लागू होगी। सरकार ने बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। अभी प्रदेश के 1,13,000 स्कूलों के 45 लाख से ज्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है, जिनमें से लगभग 5,500 अनुदान प्राप्त व गैर अनुदान प्राप्त मदरसे भी शामिल हैं। इसका विस्तार करते हुए सरकार ने निजी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिड डे मील देने का फैसला किया है। साहूकारी लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र जमा करने के लिए का शुल्क पहले था 25 रुपए, से बढ़ा के 5,000 कर दिया है। बगैर लाइसेंस में साहूकारी का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए वर्तमान में केवल 6 माह के कारावास का प्रावधान था, उसको बढ़ा के 3 वर्ष कर दिया है। लाइसेंस लेना उसको जरूरी है, तभी वो कोई उनको ऋण दे सकता है। कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल करने का फैसला किया है। ये फैसला सीधी भर्ती और एमपीपीएससी की भर्तियों में लागू होगा। इसके अलावा तिलहन संघ के कर्मचारियों के संविलियन की अवधि को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बैठक में इंदिरा ज्योति योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर भी फैसला हुआ। इसके तहत संबल योजना के उपभोक्ताओं को इंदिरा ज्योति योजना से अलग किया जाएगा। इसमें 150 यूनिट बिजली की खपत वाले शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली के सिर्फ 100 रुपए की ही देनी होगी। इसके ऊपर 50 यूनिट पर सामान्य दर लागू होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, यह खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके राज्य में सफाई कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है? एक कन्या आश्रम में अधीक्षक के पति ने घुसकर गुंडागर्दी की और एक महिला सफाई कर्मचारी को घसीटकर बाहर निकाल दिया। आम लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको सत्ता में बैठाया है, अब तो इन गरीब गुरबों पर हो रहे इस अत्याचार को रोकिए जनाब। भूपेश बघेल जी, आपके राज में छत्तीसगढ़ में एक रसूखदार ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। इस शख्स को गौर से देख लीजिए, इसका नाम रंगलाल है।
ये दृश्य कोरिया के वनांचल क्षेत्र बड़वाही के कन्या छात्रावास आश्रम का है। कन्या छात्रावास में घुसकर गुंडागर्दी कर रहा यह शख्स आश्रम अधीक्षिका सुमिला सिंह का पति है। इसने पहले तो आश्रम की बच्चियों को डांटकर महिला सफाई कर्मी का सारा सामान कमरे के बाहर पटकवाया, फिर इस महिला के छोटे से बच्चे को उठाकर बाहर रखवा दिया, जैसे बच्चा नहीं कोई सामान हो। इतने से भी जब इसका मन नहीं भरा तो इसने सभी हदें तोड़ते हुए महिला को खसीट कर कमरे से बाहर फेंक दिया। इस गुंडे की गुंडागर्दी का शिकार महिला सफाई कर्मचारी चंद्रकांता है। चंद्रकांता के साथ ये घटना बीती 10 अगस्त की है। पीड़ित महिला ने मामले की एफआईआर जनकपुर थाने में दर्ज करवाई तो पता चला महिला शिक्षिका सुमिला सिंह का पति रंगलाल प्राथमिक शाला कर्री मार्डी सराई में पदस्थ है और गलत तरीके से कन्या छात्रावास में रहकर वहां इस तरह की हरकतें करता है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से रंगलाल फरार हो गया। आदिवासी विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले के तूल पकड़ते ही कलेक्टर डोमन सिंह ने कन्या आश्रम की अधीक्षिका व उसके पति रंगलाल को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इस घटना का तो ये वीडियो वायरल हो गया और सारा काला सच सबके सामने आ गया। न जाने ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो सामने नहीं आ पाती हों। समय रहते आप ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि ऐसी गुंडागर्दी करने से पहले लोग 100 बार विचार करें। चलो 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 समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर के दो नामी बदमाशों को नरसिंहपुर पुलिस ने मार गिराया है। दोनों पर हत्या, लूटपाट, अवैध वसूली सहित अन्य गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों का नाम विजय यादव और समीर खान बताया जा रहा है। इन पर जबलपुर के कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी की हत्या का आरोप है। इस मुठभेड़ में एएसपी राजेश तिवारी, गोटेगांव टीआई प्रभाष शुक्ला और एक प्रधान आरक्षक भी घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। मुठभेड़ रणसिंहपुर के सुआतला थाना के कुमरोड़ा गांव के पास हुई। इसमें जबलपुर के दो इनामी बदमाश मारे गए। जबलपुर के कोतवाली थाना ने इन दो बदमाशों के खिलाफ इनाम का ऐलान किया हुआ था। विजय यादव के बारे में जानकारी देने पर 30,000 और समीर खान के बारे में जानकारी देने पर 15,000 का इनाम घोषित था। विजय यादव लंबे वक्त से फरार चल रहा था। वो जबलपुर के गोरखपुर इलाके का रहने वाला था। इस पर हत्या, आर्म्स एक्ट के अलावा कई और संगीन धाराओं में मामले दर्ज थे। वहीं इस मुठभेड़ में मारा गया दूसरा बदमाश समीर हनुमानताल का रहने वाला था और इस
पर भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे और वो भी लंबे वक्त से फरार चल रहा था। इस एनकाउंटर में घायल हुए पुलिस अफसरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल मुखबिरी से सूचना मिली थी कि जयपुर के कुख्यात अपराधी कोई वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। ओवरटेक करके जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन्हें उतरते ही फायर पुलिस के ऊपर शुरू कर दिया। पुलिस भी तैयार थी, हम लोगों ने भी फायर किया और फाइनली दोनों आदमी घायल हुए। घायलों को तत्काल हमने तब भी बचाना चाहा कि इनको ले जाकर हॉस्पिटल ले जाए, पर जब हॉस्पिटल लेके आए तो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। इसमें लगभग 15-17 राउंड गोलियां चली और उनके द्वारा भी 10-12 राउंड गोली चलाई गई। मुठभेड़ सोमवार तड़के 3 बजे नेशनल हाईवे 12 पर हुई, जिसमें राजेश शर्मा नाम के एक प्रधान आरक्षक भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। एनकाउंटर में शामिल रहे एएसपी राजेश तिवारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से बदमाशों के इलाके में बड़ी वारदात अंजाम देने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था। सोमवार तड़के 3 बजे पुलिस को एक गाड़ी नजर आई, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने मोर्चा लेते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कार में बैठे दो बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां दोनों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से 15-17 राउंड गोली चली है। एक विजय यादव, इसके ऊपर 30,000 का इनाम है। जबलपुर में करीब 20 मामले हैं मर्डर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के। और एक समीर खान है, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम है जबलपुर में। इसके ऊपर भी ऐसे मामले हैं। ये दोनों एक गैंग का हिस्सा है जो जबलपुर और पूरे क्षेत्र में, महाकौशल क्षेत्र में ऑपरेट करती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे पास इनपुट थी उस हिसाब से कार्रवाई की गई। कुछ कुछ छोटे टीम के मेंबर्स को लगी है, हालांकि बहुत गंभीर चोट नहीं है, कुछ कुछ चोटें। दोनों बदमाशों विजय यादव और समीर खान का पूरे महाकौशल में दबदबा था। दोनों पर हत्या, अपहरण और अवैध वसूली से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज थे। नरसिंहपुर एसपी गुरुकरण सिंह ने बताया कि ये दोनों बदमाश 2.5 साल से फरार चल रहे थे। सोमवार तड़के जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश ढेर हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कथावाचक देव मुरारी कमलनाथ सरकार से नाराज थे और उन्होंने उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण आत्महत्या की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार के दंडवत होने के बाद देव मुरारी बापू ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और कहा है कि मैं सरकार के साथ हूं। आचार्य देव मुरारी बापू को सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध करवा दी है। देव मुरारी बापू ने कहा कि मैंने अपनी मांग सरकार के सामने रखी थी, सरकार ने मेरी मांग पूरी कर दी है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने देव मुरारी बापू को आश्वस्त किया है कि निश्चित ही आपको पद दिया जाएगा। देव मुरारी बापू ने आत्मदाह की घोषणा की थी, उसे आज निरस्त कर दिया है और कहा कि मैं सरकार के साथ हूं और सरकार के साथ ही रहूंगा। 17 को मैं आया, मैंने आते ही सारी मीडिया को सूचित कर दिया कि मैं 19 तारीख को दोपहर 12 बजे सीएम आवास के सामने आत्महत्या करूंगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं सीएम होंगे। सरकार ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और रात्रि में ही 11 बजे धर्मार्थ मंत्री पीसी शर्मा जी यहाँ मेरे पास आए और मेरी सारी बातों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम साहब गंभीर है, आपका लेटर भेज दिया, अगले महीने सितंबर में आपको गौ संवर्धन बोर्ड आपने मांगा लेकिन वो अभी बोर्ड है नहीं, दूसरा किसी भी बोर्ड में आपको सम्मानजनक अध्यक्ष या चेयरमैन पद दिया जाएगा। सुरक्षा के प्रति, मेरे सम्मान के प्रति कितनी गंभीर है, सुनेगी या नहीं सुनेगी मैं देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाने का घोषणा किया था। ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव व राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के प्रवक्ता आचार्य देव मुरारी बापू कल तक कांग्रेस सरकार द्वारा वादा पूरा नहीं करने से नाराज थे। उन्होंने उचित सम्मान नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। बापू ने कल कहा कि बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के 1 दर्जन जिलों में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में कार्य किया था। चुनाव पूर्व कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे जो सरकार बनने के 8 माह बाद भी पूरे नहीं किए गए। 1 सप्ताह पूर्व 12 अगस्त को मुख्यमंत्री कमलनाथ से वार्ता हुई थी, जिसमें मेरे द्वारा गौ संवर्धन बोर्ड का चेयरमैन पद की मांग की गई थी ताकि मैं गौ सेवा कर सकूं, लेकिन यह मांग भी अनसुनी कर दी गई। टोंस जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते नहर पुल के नीचे पानी भर गया है, जिसकी वजह से हाईवे का यातायात पूरी तरह रुक गया है। परियोजना में बायोडक्ट की साफ सफाई एवं मेंटेनेंस सिर्फ कागजों में किए जा रहे हैं। आलम यह है कि नहर के पानी में ट्रक और कारें तैरती नजर आ रही हैं।
रीवा सिलपरा टोंस जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही के कारण रीवा अमरकंटक हाईवे पर जाम लग गया। नहर पुल के नीचे करीब 5 फीट पानी भरने से जहां यातायात बाधित हो चुका है, लगातार बढ़ते पानी के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं विभाग के जिम्मेदार सब कुछ देखकर भी मूक दर्शक बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि टोंस जल विद्युत परियोजना में बायोडक्ट की साफ सफाई एवं मेंटेनेंस हेतु टेंडर निकालकर कागजों में ही कार्य कराया जाता है। पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सफाई न होने से पानी रोड पर भर जाता है। नहर के पानी में एक ट्रक व कार तैरते नजर आते हैं। कारण गड्ढा है इसमें और पानी कम था, जब गड्ढे में गाड़ी कूदी तो गाड़ी बंद हो गई, करीब करीब 4 फीट है, 4.5 फीट। नाराज टोंस जल विद्युत परियोजना में भ्रष्टाचार चरम पर है। पिछले लगभग 5 से 6 वर्षों से परियोजना प्रमुख के रूप में पदस्थ मुख्य अभियंता की कारगुजारियों से परियोजना को ग्रहण लग चुका है। 2 वर्ष पूर्व बरसात के समय ही टीएचपी सिरमौर का गेट टूटकर बह गया था, जिसमें कंपनी का करोड़ों का नुकसान हुआ था। सूत्र बताते हैं कि टीएचपी कैनाल की सफाई एवं मशीनों का मेंटेनेंस प्रतिवर्ष केवल कागजों में ही होता है। मेंटेनेंस के नाम पर नामचीन ठेकेदारों से कमीशन लेकर केवल खानापूर्ति की जाती है। कलेक्टर ने यातायात बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही तुरंत कार्यवाही कर आवागमन खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, ये शाम से ये व्यवस्था खराब हुई है। शिल्परा नहर में जो पानी निकलता है उसमें अंडरग्राउंड पाइप डले हुए हैं 200 मीटर, वो चोक हो जाने के कारण ये पानी भरा हुआ है। रात भर इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन अभी जब नहीं निकल पाया तो मैंने चीफ इंजीनियर वगैरह को निर्देशित किया है कि आप जेसीबी लगाएं, तोड़ना पड़े तो उसको तोड़ें, लेकिन पानी निकालें ताकि आवागमन शुरू हो सके। 11 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले का वीडियो वायरल होने के बाद रातों रात सुर्खियों में आए शिवपुरी के एथलीट रामेश्वर गुर्जर का भोपाल के तात्या टोपो स्टेडियम में ट्रायल हुआ, जिसमें रामेश्वर 7 एथलीट में आखिरी स्थान पर आए और 100 मीटर के ट्रायल में उन्होंने 12.90 सेकंड का वक्त लिया। इसके बाद अब उन्हें 1 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। दौड़ने का एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं में आए शिवपुरी के धावक रामेश्वर गुर्जर को खेल मंत्री जीतू पटवारी ने भोपाल बुलाया। तात्या टोपे स्टेडियम में रामेश्वर का ट्रायल देखने के लिए प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी खुद मौजूद रहे। हालांकि ट्रायल में रामेश्वर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, रामेश्वर 7 धावकों में आखिरी नंबर पर रहे। ट्रायल देखने के बाद मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि रामेश्वर पहली बार इस तरह के माहौल में दौड़ा है, भले ही वो ट्रायल में आखिरी स्थान पर रहा हो, लेकिन हम उसे मध्य प्रदेश एथलीट्स एकेडमी में अगले 1 महीने तक ट्रेनिंग देंगे, इसके बाद दोबारा उसका ट्रायल लिया जाएगा। रामेश्वर की प्रतिभा का हमें ज्ञान हुआ था, हमने अवसर दिया उसको। ये जरूरी नहीं कि अभी टाइमिंग नहीं ले पाया तो उसमें प्रतिभा नहीं है। अब डिसीजन ये है कि वो महीने भर 15 दिन यहाँ एकेडमी में रहेगा और फिर से उसको उसमें, चूँकि 100 मीटर की दौड़ की प्रतिभा नहीं है तो लंबी दौड़ दौड़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस की दौड़ें जितनी होती है, जितनी रनिंग होती है उस पर काम कर सकता है, तो बिना ट्रेनिंग से दौड़ा है। या 4th पोजीशन उसमें अभी पाई है, उसका भी टाइमिंग आया है, तो मैं दोनों बच्चों का एक साथ एकेडमी में रहेंगे, इनकी ट्रेनिंग 1 महीने बाद होगी। रामेश्वर ने भी बताया कि सामान्यता उन्हें नंगे पैर दौड़ने की आदत है, जल्दी वे ट्रैक की बारीकियां समझकर कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार से ही मेरी पीठ में दर्द है, फिर भी कोशिश की, आगे इसमें सुधार की कोशिश करूंगा। रविवार को स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस सेंटर में रामेश्वर को फिटनेस से संबंधी कुल 16 टेस्ट से गुजरना पड़ा था, इसमें सभी में रिपोर्ट रामेश्वर के पक्ष में गई है। उनका कुल वजन 48 किलो निकला, जो उस उम्र के धावक के लिए कम है। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने रामेश्वर का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि ये सिर्फ ट्रायल है, इसके नतीजे कुछ भी हों, इससे तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारी प्रतिभा को निखारने में कोई कमी बाकी नहीं रहने देंगे। एक सरकारी अफसर ने 3 लोगों को जीप से कुचल दिया है। इस मामले में पुलिस का बेहद लापरवाह रवैया सामने आया है। घटना के बाद टीआई ने अफसर को बचाने के लिए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है।
शिवपुरी में सरकारी अफसर बी के माथुर ने 3 लोगों को जीप से कुचल दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुस्साई भीड़ ने अफसर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन टीआई सुरेंद्र सिंह सिकरवार ने अफसर को बचाने के लिए अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। जब इसकी खबर स्थानीय विधायक को लगी तो विधायक ने इसके खिलाफ थाने का घेराव किया, जिसके बाद घटना को संज्ञान में लेते हुए टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर गिफ्ट देने का झांसा देकर नाइजीरियन मूल के 2 आरोपियों ने राजनांदगांव निवासी दंपति को ठगी का शिकार बना लिया। ठगों ने इस दंपति से लगभग 45 लाख की ठगी की। पुलिस ने मामले की जांच पर दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। फेसबुक पर मित्रता कर महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नाइजीरियन मूल के 2 आरोपियों को राजनांदगांव पुलिस ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों ने स्टेशन पारा निवासी शासकीय कर्मचारी सुनीता आर्या और उसके पति चैतू राम आर्या के साथ ठगी की। सुनीता आर्या स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है, वहीं उनके पति चैतू राम आर्या पुलिस विभाग में है। दंपति को गिफ्ट देने का झांसा देकर 45 लाख रुपए इनसे लिए गए। जांच के बाद पुलिस ने नाइजीरियन मूल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक परिवार ने जो है 46 लाख रुपए ऑनलाइन ठगी के जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराया था। उस आधार पर जो हमारी जो साइबर जो सेल है उस आधार पर जो नंबरों से जो हुई थी और उसके आधार पर जो हमने जो इन्वेस्टिगेशन उसका शुरू किया तो और जो भी डंप निकाला उस आधार पर उन लोगों का जो लोकेशन मिला उसके अनुसार जो नई दिल्ली का था। हमारी टीम जो है पिछले 10-15 दिनों से जो है नई दिल्ली में कैंप किया हुआ था और लगातार उनको जो है फॉलो कर रहा था और दिल्ली पुलिस के सहयोग से जो है चाणक्य द्वारा एरिया है वहाँ से जो है 2 नाइजीरियन नागरिकों को जो है विद सबूत जो है उनको जो है गिरफ्तार किए हैं। 2018 में पीड़िता के फेसबुक अकाउंट पर डेविड सूर्या नामक व्यक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मित्रता होने के बाद डेविड ने खुद को यूनाइटेड किंगडम लंदन का निवासी बताया और तमाम सामान देने के नाम पर अपने अकाउंट में कुछ पैसा डलवाया और उसके खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पैसे निकाल लिए गए। पुलिस ने मामले की जाँच कर आरोपी की वी स्टैनल ओकवो ओमा और नवोकर इमानुल गोसाइन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते इंदौर रोड पर बसें बेखौफ होकर ओवर स्पीड से चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक अंधी रफ्तार बस का एक्सीडेंट हुआ और वह ब्रिज से नीचे लटक गई। ऐसे में यात्रियों की जान पर बना। यात्री जब बस चालक से धीरे चलने को कहते हैं तो बस चालक अभद्रता पर उतर आते हैं। रसूखदारों की यह बसें कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। इंदौर रोड पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक नेता की अंधी रफ्तार बस ब्रिज की रेलिंग से टकराकर ब्रिज पर लटक गई। इस हादसे के बाद एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उज्जैन इंदौर रूट पर बस ऑपरेटर क्षमता से दोगुने यात्रियों को बिठाकर बेकाबू गति से बसें चला रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। दुर्घटना का शिकार हुई बस के यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर ने इंदौर से निकलने के बाद 2 बार अंधी गति से वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश की थी और बस असंतुलित हो गई। गनीमत रही कि बस पुल पर लटक गई, वरना यात्रियों की जान भी जा सकती थी। कुछ यात्रियों ने इसे टोका भी, मगर जवाब मिला कि यहां तो बस ऐसे ही चलती है। दुर्घटना के बाद सहमे यात्रियों में रोष था। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि 34 सीटर बस में 60 यात्री बैठे थे। मुनाफे के चक्कर में बस संचालक यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पूर्व में भी इंदौर रोड पर बेकाबू बसों के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता। बताया जा रहा है कि बस संचालक कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और कार्यवाही की जा रही है। संत हिरदाराम नगर में सिंधी समाज की महिलाओं ने टिंजरी पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर कई प्रतियोगिताएं हुई और महिलाओं ने फैशन शो भी आयोजित किया। सामान्य बोलचाल में तीज कहा जाने वाला पर्व सिंधी समाज टिंजरी पर्व के नाम से मनाता है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस पर्व के लिए 16 श्रृंगार किया। इस मौके पर कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। महिलाओं ने अंताक्षरी और तंबोला खेला, मेहंदी लगाई और फिर डांस और फैशन शो में भाग लिया। प्रतिवर्ष सिंधी समाज की महिलाएं रक्षाबंधन के 5वें दिन टिंजरी माता का उपवास करती है। टिंजरी पर्व के दिन महिलाएं सुबह सूर्य निकलने से पहले पूजा करती है, फिर दिन भर निर्जला रहकर व्रत करती हैं। शाम को माता को झूला झिलाकर कथा की जाती है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। युवास क्लब है
प्री तीज सेलिब्रेशन है, तीज से पहले जो सेलिब्रेशन रहता है वो है। यहाँ पे हम लोग हाउसी करते हैं, लेडीज गेट टुगेदर करती हैं, फूड स्नैक्स सब रहता है काफ़ी सारे। अभी फैशन शो है इस बार, काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं, गिफ्ट हैं, लकी ड्रॉ है और काफ़ी सारे स्टॉल्स है जिसपे सब टाइप के लकी ड्रॉ है। हर किसी ने अपने हिसाब से करे ताकि हम सारे सिंधी एकजुट होकर रहे। अब बात आज के वीडियो वायरल की। शिक्षक और विद्यार्थियों के प्रेम का एक ऐसा नजारा सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। स्कूल के बच्चों को खबर लगी कि उनके प्रिय शिक्षक का तबादला हो गया है। बस फिर क्या था, बच्चे अपनी आंखों से आंसू न रोक सके। इन भावुक क्षणों में शिक्षक भी खूब रोए। कटनी के ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिलमन गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल के छात्र एक शिक्षक के स्थानांतरण हो जाने से बेहद दुखी हैं। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक मंगलदीन पटेल के स्थानांतरण से छात्र छात्राओं के दुखी होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्हें शिक्षक के स्थानांतरण की जानकारी मिली तो स्कूल के छात्र रोने लगे। स्थानांतरित हुए शिक्षक छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छात्र छात्राओं के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। छात्र छात्राओं को रोता हुआ देख शिक्षक की आंखें भी भर आईं और वे छात्रों से यही कह रहे थे कि वे फिर से लौट कर आएंगे। इसके बाद स्कूल के छात्र छात्राएं उनके साथ लिपट कर रोने लगे। अपने प्रति बच्चों का स्नेह देखकर शिक्षक भी अपने आप को रोक नहीं सके और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। स्कूल के छठवीं कक्षा के छात्र शिवराज ने बताया कि पटेल मास्टर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तरीका इतना सरल और अच्छा था कि सब समझ में आ जाता था। इसी वजह से स्कूल के छात्रों के वे पसंदीदा अध्यापक थे। शिक्षक मंगलदीन पटेल का स्थानांतरण स्कूल से हो जाने की जानकारी के बाद शिक्षक मंगलदीन पटेल का स्थानांतरण कटनी शहर के उपनगरीय क्षेत्र कुठला माध्यमिक स्कूल में किया गया है और ये स्थानांतरण उनके द्वारा पारिवारिक दायित्वों के कारण स्वयं कराया गया है। शिक्षक मंगलदीन पटेल पिछले 17 वर्षों से तिलमन गांव में ही रहकर स्कूल में पदस्थ थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।